नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। उरी हमले के बाद रूस ने पाकिस्तान पर कसी नकेल, रद्द किया संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगले महीने गिलगित और बाल्टिस्तान में होना था रूस और पाक का संयुक्त सैन्य अभ्यास। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिका के सामने फिर आलापा कश्मीर राग। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी से कहा, कश्मीर मामले में दे दखल, मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का उठाया मुद्दा। उरी हमले के बाद टॉप कमांडरों से मिले पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ। भारत को दी धमकी, कहा उकसाने वाली किसी भी कार्रवाई का पाक देगा मुंह तोड़ जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। सीमा पार से घुसपैठ पर रोक लगाने की उठाई मांग, कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर लगी भीषण आग, 4000 प्रवासियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। शरणार्थियों के अस्थायी घर और तंबू हुए नष्ट। तानाशाह किम जोंग उन की अगुवाई में उत्तर कोरिया ने किया रॉकेट इंजन का परीक्षण। भूस्थिर उपग्रह में होता है रॉकेट इंजन का इस्तेमाल। सफल परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों से जल्द उपग्रह को लॉन्च करने का दिया निर्देश। नाइजीरिया में सेना के वाणिज्यिक काफिले पर हमला, 6 लोगों की मौत, 3 सैनिक घायल। आतंकवादी संगठन बोको हरम ने ली हमले की जिम्मेदारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।